प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब इंसान को मुश्किल आती है तो फिर वो प्रार्थना करता है। इंसान प्रार्थना तब करता है जबकि उसके करने के बावजूद उससे जो भी उसके सामने तकलीफ आई हो वो दूर ना हो रही हो। हमें जिसमें भी विश्वास हो उससे हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम अंदर से समझते हैं कि हमसे कोई हायर पावर है जो कि हमारी तकलीफ को दूर कर सकती है। तो रिसर्च हर एक चीज़ में होती रहती है। जब भाई बहनों ने रिसर्च की कि कितने लोग प्रार्थना करते हैं, तो नतीजा ये निकला कि 90% लोग दुनिया में ऐसे हैं जिन्होंने किसी न किसी समय पर प्रार्थना ज़रूर की है। और प्रार्थना एक ज़रिया है जिसके ज़रिए हम प्रभु से कुछ मांगते हैं। चाहे हम चाहें कि हमारी तकलीफ़ दूर हो, चाहे हम चाहें हमारी शारीरिक तकलीफ़ दूर हो, चाहे हम चाहें हमारे माँ बाप की, हमारे घर वालों की, दोस्त मित्र की तकलीफ़ दूर हो, चाहे हम चाहें कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई है वो ठीक हो जाए, चाहे कोई रिलेशनशिप में हमारी तकलीफ़ आ गई है वो ठीक हो जाए, तो हम प्रभु से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। और जब हम प्रभु से मांगते हैं तो होता क्या है, बहुत बारी तो हम देखते हैं कि जो हमने मांगा वो हमारे लिए पूरा हो गया। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि जब हम कुछ मांगते हैं तो वो हमारे लिए पूरा होता नहीं, और जब हम कुछ मांगें और हमारे लिए पूरा ना हो तो हमें बहुत तकलीफ़ होती है। हम सोचना शुरू कर देते हैं कि क्या प्रभु को हमारा ख्याल नहीं है। हम सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद इस दर पर हमें कुछ नहीं मिल रहा, हम किसी और दर पर जाएं। और इंसान फिर भटकने लगता है और डिसिल्यूजन हो जाता है। उसको समझ में नहीं आती कि वो कुछ चाह रहा है उसे मिल क्यों नहीं रहा। लेकिन जैसे जैसे ज़िंदगी गुजरती है तो हमारी समझ में आना शुरू हो जाता है कि जो ये प्रार्थना का तरीका है काम कैसे करता है। जो हमारा रिश्ता नाता पिता परमेश्वर से है, प्रभु से है, जिनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये जो प्रार्थना का प्रोसेस है ये काम कैसे करेगा। अगर हम एग्जांपल लें कि एक घर में बच्चा है और बच्चे घर में माँ बाप के साथ हैं और माँ बाप बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, तो जनरली जो बच्चा चीज़ चाहता है माँ बाप उसे ले देते हैं। जब माँ बाप बच्चे को चीज़ ले देते हैं तो बच्चा बड़ा खुश होता है। कई बार ये भी होता है बच्चा चाहता कुछ है और माँ बाप कुछ और एक्स्ट्रा भी ले देते हैं, ऐसा गिफ्ट उसको दे देते हैं, तो बच्चा और भी खुश हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि बच्चा कुछ चाह रहा है और माँ बाप को मालूम है कि ये चीज़ उस बच्चे के लिए ठीक नहीं है, तो उस स्टेट में माँ बाप एक तकलीफ में पड़ जाते हैं। उन्हें मालूम है कि अगर उस समय वो उस बच्चे को वो ले देंगे जो वो चाह रहा है तो उसकी ज़िंदगी में बच्चे को कुछ ना कुछ तकलीफ आएगी, और अगर उसको नहीं लेके देंगे तो बच्चे को उस समय तकलीफ होगी। तो सोच समझ के माँ बाप जनरली क्या करते हैं, अगर उन्हें मालूम हो कि किसी चीज़ से बच्चे को तकलीफ़ होगी तो वो चीज़ उसको लेके नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चे के लिए अच्छा क्या है, बच्चे के लिए बुरा क्या है। यही हम सबके साथ पिता परमेश्वर के साथ होता है। प्रभु जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरी है, वो ये भी जानते हैं कि हमारी ज़िंदगी में आगे क्या होगा, और उन्हें मालूम है कि हम लोग बाहर की दुनिया की चीज़ों के पीछे लग जाते हैं। उन्हें मालूम है कि हमारा मन हमारे अंदर इच्छाएं पैदा कर देता है, और जब हमारा मन हमारे अंदर इच्छाएं पैदा करेगा तो उससे क्या होगा कि हम चाहेंगे कि हमें ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। अब वो हमारे लिए बेहतर है कि नहीं, ये हमारी समझ के दायरे से बाहर है। लेकिन पिता परमेश्वर को मालूम है कि हमारी ज़िंदगी आगे कैसे गुजरनी है, और उन्हें मालूम है कि हमारे लिए अच्छा क्या है।
तो अगर तो जो हमारी चाहत है वो हमारे लिए बेहतर होगी, अच्छी होगी, तो प्रभु ज़रूर उसे हमारी ज़िंदगी में हमें दे देंगे। और अगर जो हम चाह रहे हैं हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, तो चाहे हमें उस समय तकलीफ़ हो, प्रभु वो हमारी ज़िंदगी में होने नहीं देते। और बहुत साल बाद जाके हम रियलाइज़ करते हैं कि जो हुआ वो हमारी ज़िंदगी में अच्छा ही हुआ। अब जब हमें वो मिलता नहीं जब हम चाह रहे हैं, तो इंसान का विश्वास टूट जाता है, वो डोल जाता है। वो सोचता है शायद अगर यहाँ से नहीं मिला तो शायद प्रभु को किसी और रूप में जाके मैं प्रार्थना करूँ, और फिर वो सोचता है किसी और रूप में जाके प्रार्थना करूँ, तो वो एक दर से दूसरे से तीसरे में भटकना शुरू हो जाता है। जिन इंसानों का विश्वास प्रभु में अटल है, वो कभी भी एक तरफ से दूसरी तरफ जाते नहीं। संत दर्शन सिंह जी महाराज, जिन्होंने बहुत कुछ रूहानियत के रास्ते के बारे में लिखा है, उन्होंने एक अपने शेर के ज़रिए समझाया है कि किस किस्म की ज़िंदगी एक सच्चे शिष्य की होनी चाहिए। उन्होंने एग्जाम्पल अपना ही देके ये अपने इस शेर में संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं। वो फरमा रहे हैं कि ज़माने ने बदले बहुत रंग लेकिन, ज़माने ने बदले बहुत रंग लेकिन, तेरे दर पे दर्शन की अब भी जबी है। तो कह रहे हैं ये जो ज़माना है ये तो बदलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ बदलने वाली है। यहाँ पे कोई चीज़ स्थाई नहीं, कोई चीज़ नहीं जो सदा सदा के लिए रहेगी। और वो फरमा रहे हैं कि ये जो ज़माने के रंग हैं ये बदलते रहते हैं। आज ये चीज़ अच्छी लग रही है तो कल वो लगेगी, तो परसों वो चीज़ अच्छी लगेगी। आज ये हमारे नज़दीक है तो कल ये हमसे दूर हो गया। आज हमारे पास पैसे हैं ज़्यादा, कल हमारे बिजनेस में कुछ ख़राबी हो गई, कुछ फाइनेंसिस में तकलीफ़ आ गई। तो ज़माने में चीज़ें बदलती रहती हैं, और उनमें अगर हम प्रभु से विश्वास हटा देंगे तो हम भटकते रहेंगे। पिता परमेश्वर जानते हैं कि हमारे लिए अच्छा क्या है, और वो हमारी ज़िंदगी में वही करते हैं जो हमारे लिए सबसे बेहतर हो। तो जो प्रिंसिपल है, स्वीट इज़ दाई विल या तेरा भाना मीठा लागे, जो इंसान उसके ज़रिए जीता है वही सदा सदा का सुख चैन पाता है, वही सदा सदा खुश रहता है। हम सब यही सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ हों। और प्रार्थना भी इंसान क्यों करता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद ये चीज़ मुझे मिलेगी तो मुझे और खुशी आएगी। उसे लगता है अगर ये तकलीफ दूर हो जाएगी तो मुझे सुख चैन मिलेगा। और इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि हम सुखी हों, खुश हों, और हमारी ज़िंदगी आराम से गुजरे। अब जब इंसान का विश्वास प्रभु में अभी पक्का नहीं हुआ होता, तो हम ये सोचते हैं कि शायद प्रभु को मालूम नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। तो अगर आप प्रार्थना की ओर ध्यान से देखें तो प्रार्थना है क्या, वो प्रभु का दरवाज़ा खटखटाना है कि हे प्रभु, आप शायद भूल गए, आपको शायद याद नहीं रहा, शायद आप और चीज़ों में बड़े व्यस्त हैं, कि मेरे साथ ये हो रहा है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसको आप ठीक कर दीजिए। तो जब इंसान का विश्वास प्रभु में पक्का नहीं होता, जब वो शुरू शुरू में प्रभु की ओर अपना ध्यान लगाता है, तो वो सोचता है कि शायद मुझे प्रभु का दरवाज़ा ज़ोर से खटखटाना है। इसीलिए प्रार्थना के लोग ऊंची करते हैं, कोई लोग मन ही मन करते हैं। वो सोचते हैं कि प्रभु शायद उन्हें भूल चुके हैं, या उनका ध्यान उनकी ओर नहीं है, और वो प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरे साथ ये हो रहा है, आप कृपा करके इसको ठीक कर दीजिए। बहुत से भाई बहन तो ऐसे भी करते हैं कि जब कोई तकलीफ़ होती है तो प्रभु से बिजनेस करने की कोशिश करते हैं। वो ये कहेंगे कि हे प्रभु, आप ये ठीक कर दीजिए, मैं ये करूँगा, मैं अपना जो धर्म स्थान है वहाँ अगले 2 महीनों के लिए जाता रहूँगा, मैं 40 दिन के लिए उपवास कर दूँगा। वो सोचते हैं कि शायद प्रभु को हम कुछ देंगे तो वो हमें कुछ दे देंगे। वो भूल जाते हैं कि प्रभु के पास सब कुछ है, सारी सृष्टि पिता परमेश्वर ने रची है,
उनको हमसे कुछ लेना नहीं, उनको तो हमें देना और देना और देना ही है। पिता परमेश्वर को हमसे कुछ भी नहीं चाहिए, वो चाहते हैं हमारी जिंदगी आराम से गुजरे। उन्हें मालूम है कि हम कर्मों का भोग लेके आए हैं, वो जानते हैं कि हमारे कर्म जो इस जिंदगी में हमने झेलने हैं वो हमारी जिंदगी में आए हैंगे। उन्हें मालूम है कि हम कुछ दिन ऊंच नीच में से गुजरेंगे, फिर ये समय भी टल जाएगा और फिर अच्छे दिन आ जाएंगे, और फिर हो सकता है फिर कुछ मुश्किल आ जाए। तो उन्हें सब मालूम है कि कब हम किस तकलीफ में से जाएंगे, और वो चाहते हैं कि हमारे कर्म कटें। वो ये नहीं चाहते कि हम कर्मों का बोझ लेके फिर अपने साथ उन्हें लेके जाएं जबकि हमारे शारीरिक मौत होगी, और वो चाहते हैं कि हम 84 लाख जिया जून से छुटकारा पाए। इसीलिए वो चाहते हैं कि हमारे सारे के सारे कर्म कटें। तो जो जो हमारे लिए बेहतर होता है हमारी ज़िंदगी में, वही हमारी ज़िंदगी में डरता है। और जब भी हम प्रभु की ओर ध्यान देते हैं तो हमें जानना चाहिए कि पिता परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, हमारे भीतर बस रहे हैं। हमारे साथ जो जो हो रहा है उन्हें मालूम है। हम बहुत सी बार सोचते हैं प्रभु शायद आसमान में हैं, बहुत दूर हैं, हो सकता है कि उन पर इतनी चीज़ें करने की हैं, शायद वो जो हमारे साथ हो रहा है उसको और उनका ध्यान ना हो। लेकिन हम भूल जाते हैं कि प्रभु हम सबके भीतर हैं। वो चाहते हैं कि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ें, और उनकी मदद, उनके सहारा 24 घंटे हमारे साथ रहता है। ये हमारी कमजोरी है कि हम सोचते हैं कि हमें तकलीफ आ गई। जो भी हमें लगता है तकलीफ है, वो हम देखते हैं कि समय के साथ वो भी हट जाती है। और जैसे जैसे इंसान का विश्वास पिता परमेश्वर में बढ़ता चला जाता है, तो फिर जो प्रार्थना है जो कि इंसान प्रभु से करता है कि मुझे ये मिल जाए, ये चीज़ मेरे लिए ठीक हो जाए, ये मेरे जो रिश्तेदार हैं इनकी तकलीफ दूर हो जाए, तो उस और जाने के बजाय फिर इंसान प्रभु से प्रार्थना इस किस्म की करता है कि हे प्रभु, जो आप चाहें वही मेरी ज़िंदगी में डले। हे प्रभु, मुझे मालूम नहीं कि मेरे लिए क्या बेहतर है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने इस स्टेट के बारे में, इस अवस्था के बारे में अपने एक शेर में समझाया। वो फरमाते हैं कि नहीं जानता कि मैं क्या तुझसे मांगूं, जो मेरे लिए है भला चाहता हूँ। वो प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, हे पिता परमेश्वर, मैं नहीं चाहता कि मेरे लिए अच्छा क्या। आप मेरे पास को भी जानते हैं, मेरे प्रेजेंट को भी जानते हैं, मेरे फ्यूचर को भी जानते हैं। आपको मालूम है मेरे साथ क्या हुआ, आपको मालूम है मेरे साथ क्या हो रहा है, आपको ये भी मालूम है मेरे साथ क्या होगा। तो आपको तो सब मालूम है, तो मुझे तो मालूम नहीं कि मैं क्या मांगू आपसे। जो आपकी रजा हो, जो आप चाहें मेरे लिए बेहतर हो, वही मेरी ज़िंदगी में डले। जो मेरे लिए है भला चाहता हूँ, कि ये आप डिसाइड करें कि मेरी ज़िंदगी में क्या होगा, कि जो आपकी रजा होगी वही मेरी ज़िंदगी में ढलेगी, तभी मैं अपनी मंजिल तक पहुँच सकूँगा। तो वो अवस्था जिसमें कि हम एक चीज़ के लिए, किसी तकलीफ को दूर करने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे, वो अवस्था में इंसान तब पहुँचता है जब उसका विश्वास पिता परमेश्वर में पूर्ण हो जाता है। जब उसे मालूम है कि हर एक चीज़ यहाँ पर प्रभु की रजा से हो रही है, जब उसे मालूम है कि अगर पत्ता भी हिलता है तो वो पिता परमेश्वर की रजा में हिलता है, उसे मालूम है कि हर एक चीज़ यहाँ हमारी बेहतरी की हो रही है। और जब हम इस अवस्था में पहुँचते हैं, जब हमें यकीन हो जाता है कि जो कुछ हमारे लिए हो रहा है वो बेहतर से बेहतर है, तो फिर हमारे कदम प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ते हैं, और उनकी नज़दीकी हम जल्दी से पाना शुरू करते हैं। अब उस अवस्था में पहुंचने के लिए जो चीज़ हमें मददगार होती है वो है मेडिटेशन, वो है भजन अभ्यास करना। क्योंकि जब हम भजन अभ्यास करते हैं तो फिर हम जब बैठते हैं, हम प्रभु को जानने के लिए बैठते हैं, उन्हें पहचानने के लिए बैठते हैं, उनसे मिलने के लिए बैठते हैं,
उनसे एक में एक होने के लिए बैठते हैं। तो जब हम भजन अभ्यास के लिए बैठते हैं तो हमारे अंदर से यही आवाज़ उठनी चाहिए कि हे प्रभु, आप मुझे दर्शन दीजिएगा, मैं आपको जानना चाहता हूँ, पहचानना चाहता हूँ, आपको मिलना चाहता हूँ, और इस समय में जो भी मेरे लिए बेहतर है वही आप मुझे दर्शाइए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि आज तो मैंने पहले प्लेन पे पहुँचना है, या मैंने तीसरे प्लेन पे पहुँचना है, या आज मैंने सचखंड तक पहुँचना है। हमें इस भाव से बैठना चाहिए कि हे पिता परमेश्वर, जो आपको लगे मेरे लिए अच्छा है, भला है, वही अनुभव मुझे हो। और उस समय जब हम बैठते हैं इस ख्यालात से, तो ना तो हमें कोई इच्छा होती है, ना कोई डिज़ायर होती है, तो उस समय हम कुछ मांग नहीं रहे, हम प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो आपको ठीक लगता है वही मेरी ज़िंदगी में, उसी में मैं खुश हूँ। और उनकी रजा में खुश होना ही जिंदगी का मकसद होना चाहिए। और तो जब हम मेडिटेट करते हैं, जब भजन सिमरन करते हैं, तो उस समय हम ये नहीं सोच रहे कि मैंने आंखें बंद करी हैं और मैं अब प्रभु से ये मांग लूँगा, मैं वो मांग लूँगा, मैं वो मांग लूँगा। हम भजन सिमरन जब करते हैं तो हम ये जानते हैं कि हमने आंखें बंद की, अब हम प्रभु का जो शब्द है, जो प्रभु की ज्योति है और उनकी ध्वनि है, उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। हम अंदर में रोशनियाँ देखना चाहते हैं, हम अंदर में प्रभु की ध्वनि को सुनना चाहते हैं, हम प्रभु के शब्द के साथ जुड़ना चाहते हैं, और उनके शब्द के साथ जुड़कर हम अंदर की दुनिया में बढ़ना चाहते हैं। जब इस भाव से हम बैठते हैं कि जो भी हमें अनुभव होगा वही हमारे लिए बेहतर है, तो उस समय हम कुछ मांग नहीं रहे, उस समय हम कोई प्रार्थना नहीं कर रहे, उस समय हम भजन सिमरन के लिए बैठे हैं। और यही सबसे ऊंची अवस्था है प्रार्थना की। इंसान प्रभु से चीज़ें तब मांगता है जबकि उसे प्रभु के बारे में मालूम नहीं। जब वो सोचता है प्रभु तो कुछ मेरे से ऊपर हायर हैं, थोड़े से मेरे से ऊंचे हैं, मुझे जो चाहिए मिल जाएगा। लेकिन जब इंसान को ये पूरी तरीके से समझ आ जाता है कि सृष्टि को चलाने वाले पिता परमेश्वर हैं, उनकी मौज में सब कुछ रचा गया, उनके भाने में सब कुछ होता है, तो फिर प्रार्थना की कोई ज़रूरत नहीं रहती। फिर हम जान जाते हैं कि प्रभु हमारे अंग संग हैं, उन्हें मालूम है हमें क्या चाहिए, वो हमारी ज़िंदगी को डोर को संभाल रहे हैं, और वो हमें अपनी मंजिल की ओर लेके जाएंगे। जब भी हम उस अवस्था में पहुँचते हैं, वही अवस्था हमारे लिए बेहतर से बेहतर है। हम लोग इस ज़िंदगी को जीते हुए यही समझते हैं, चीज़ें हमारे लिए अच्छी हो जाएं, हमारे घर बार वालों के लिए अच्छी हो जाएं, जिन्हें हम चाहते हैं उनके लिए चीज़ें अच्छी हो जाएं, और हम ये भूल जाते हैं कि प्रभु हर एक के लिए प्रोवाइड करता है। बहुत सी बार तो हम सोचते हैं हमने अपने बाल बच्चों के लिए प्रोवाइड करना है, या हमने अपने पेरेंट्स के लिए प्रोवाइड करना है जब वो बुजुर्ग हो गए, लेकिन भूल जाते हैं कि हर एक जीव के लिए प्रभु प्रोवाइड करते हैं। वो जानते हैं किसके लिए क्या चीज़ बेहतर है, वो जानते हैं किसको कौन सी चीज़ कब मिलनी चाहिए, और वो सबकी ज़िंदगी में होती है। हमें पूरा विश्वास पिता परमेश्वर में होना चाहिए, और जब पूरा विश्वास प्रभु में हो जाएगा तो हम देखेंगे कि हमारे अंदर से प्रार्थना के भाव नहीं निकलेंगे, लेकिन शुक्राने के भाव निकलेंगे। हम प्रभु का शुक्रिया अदा करेंगे कि हे प्रभु, आपकी दया मेर मेरी ज़िंदगी में हो रही है, कि मेरी ज़िंदगी आराम से गुजर रही है, प्रेम से गुजर रही है, मैं आपको और जानना चाहता हूँ, आपसे और मिलना चाहता हूँ, आपकी दया दृष्टि मुझ पर बनी रहे ताकि मैं आपकी नज़दीकी पाऊँ और मेरा विश्वास आप में अटल रहे। और जब ऐसी ज़िंदगी इंसान जीता है तो उसके कदम उसको अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से लेके जाते हैं। प्रभु हम सबके अंग संग हैं, वो हमारा ध्यान कर रहे हैं। हो सकता है हमें इस समय कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है कोई फिज़िकल प्रॉब्लम हो सकता है कोई हमारे नज़दीकियों को कोई तकलीफ़ हो। हमें जानना चाहिए कि ये समय भी टल जाएगा। हमें ये जानना चाहिए कि हम अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर करें तो सारी चीज़ें ज़िंदगी में सही होनी शुरू हो जाएंगी। हम जहाँ भी बैठे हैं, हम अभ्यास के लिए बैठ जाएं,
अपनी आंखें बंद कर लें, ये जो आंखों के डेले आईबॉल्स हैं सीधे सामने होने चाहिए, जैसे हमारे सामने 8-10 इंच सामने फोकस हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। ये जो आईबॉल्स हैं आंखों के डेले हैं ये सीधे सामने होने चाहिए, जैसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो। जैसे ही आप प्रभु के नाम का जाप करेंगे, जैसे मन ही मन करना है, तो आप देखेंगे कि आपके सामने अंधेरे में आपको रोशनी के चिन्ह देखने शुरू हो, किसी को जल्दी किसी को थोड़ी देर में। आप कुछ फिक्र मत कीजिए कि आप अनुभव कर रहे हैं, जो कुछ दिख रहा है उसे बड़े प्यार से देखिएगा। हो सकता है रोशनियाँ लगे आगे जा रही हैं, हो सकता है रोशनियों के चक्र हों, हो सकता है रोशनियाँ टिक गई हों। रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, सुनहरे रंग की, लाल रंग की, पीला, नीला, हरा, जामनी, कोई भी रंग, सुनहरा रंग, सफ़ेद रंग, जो कुछ हमें दिखता है उसके बीच में देखें। समय के साथ हमें क्या लगेगा, ऐसे लगे रोशनी टिक गई हैं। तो हो क्या रहा है कि रोशनी कहीं बाहर से नहीं आ रही, प्रभु की ज्योति आप सबके भीतर है। जब आपका ध्यान टिकता है आपको रोशनी दिखाई देती है, जब आपका ध्यान टूटता है आपको अंधेरा अंधेरा दिखाई देता है। और समय के साथ साथ जैसे जैसे आपका ध्यान ज़्यादा टिकता है आपको लगता है रोशनियाँ टिक गई, फिर आप रोशनी से आगे निकल जाते हैं, एक आसमान जो सितारों से भरा हुआ है, अंदर का चंद्रमा, अंदर का सूर्य, और बहुत से नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। तो आप अपना ध्यान बिल्कुल बीच में रखिए और जो कुछ दिखता है उसमें बड़े ध्यान से देखिएगा। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर है महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में आके मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।